दोस्तों नमस्कार। राजनीति के रंग अनेक हैं और राजनीति अजब गजब रंग की है। जब तक कोई व्यक्ति समझ पाता है तब तक उसका रंग बदल जाता है। राजनीति के अंदर आज कोई जो फैसला होता है, जब तक उस फैसले की परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं, जब तक उस फैसले के कारण समझे जाते हैं, तब तक वो फैसला बदल जाता है। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का। देश के दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और बाबू काशीराम के नाम पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक दल जिसके अंदर एक बात चली थी कि यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो पिछले काफ़ी समय से इस बात को लेकर चर्चाओं में रहती है कि उसके फैसले जाने आजकल कौन कर रहा है। एक फैसला उसका आज हुआ, आज यानी कि रविवार को 23 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर बहन मायावती जी ने, यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी की कमांडर हैं, चीफ हैं, मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी की सत्ता सौंप दी, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अपना उत्तराधिकारी तो एक बार पहले भी बनाया था, स्टार प्रचारक भी बनाया था, देश के अंदर अपना चेहरा भी बनाया था आकाश आनंद को। लेकिन जाने क्या हुआ था, मई के पहले सप्ताह में आकाश आनंद ने एक भाषण दिया था अपना उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए कि बहन जी को वो भाषण उनका शायद राज क्यों नहीं आया। हालांकि वो भाषण तो आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए दिया था। आकाश आनंद उसके अंदर बोले तो भाजपा के बड़े नेताओं के लिए थे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोले थे, मुख्यमंत्री योगी के लिए बोले थे और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए थे। लेकिन चुभन जाने क्यों हो गई थी बहन जी को। और 7 मई 2024 जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, आकाश आनंद एकदम से आकाश से जमीन पर आ गिरे। बहन मायावती ने कह दिया कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। मैच्योर का मतलब परिपक्व ही होता है दोस्तों। आकाश आनंद के लिए बहन जी, बहन मायावती ने यह कह दिया कि आकाश आनंद को अभी राजनीति की पूरी समझ नहीं है और इसीलिए कह करके उनको बैक टू पवेलियन कर दिया, वापस बुला लिया चुनाव प्रचार से। इतना ही नहीं किया, जो उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था वो पोस्ट भी वापस ले ली, कह दिया कि अब ये उत्तराधिकारी भी नहीं है। लोगों को बड़ा लगा कि आखिर क्या हुआ। हमने भी एक वीडियो डाली थी, आप इसको देख सकते हैं। मैंने कहा था कि आकाश आनंद की आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मायावती को खल गई। और अब आज लगभग 45 दिन बाद, लगभग 1.5 महीने बाद, 7 मई को वो वाक़या था जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारीपन से वापस ले लिया मायावती जी ने, स्टार प्रचारक से हटा दिया, सारे पद उनसे ले लिया और घर बिठा दिया, यानी कि आसमान से, आकाश से धरातल पर गिरा दिया। और आज उनको बड़े खुश अंदाज में, बड़ी खुशनुमा मूड में देश का फिर से कर्ता धर्ता बना दिया बहुजन समाज पार्टी का। आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद भी आए थे और आकाश आनंद आए थे उस बैठक के अंदर अपने पिता अशोक कुमार और बहुजन समाज पार्टी के किसी समय के, आज तो उनकी भूमिका वो मुझे नजर आती नहीं है, लेकिन एक समय के सोशल इंजीनियरिंग के प्रेरणाता थे सतीश मिश्रा, जिनके सहारे मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी 2007 में, उन्हीं की पॉलिसीज थी। आज आकाश आनंद जब आए तो वो सतीश मिश्रा और अपने पिता अशोक कुमार के साथ थे। बैठक में पहुंचे, बैठक के अंदर 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि थे, पदाधिकारी थे। और उस बैठक के अंदर बहन मायावती जी ने एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बना दिया उनको फिर से स्टार प्रचारक, बना दिया उनसे पार्टी का कर्ता धर्ता और साथ साथ कह दिया कि उत्तराखंड में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, मायावती जी ने कह दिया कि उन सभी सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, मैदान तैयार किया जाएगा, फिर से महारथी सजेंगे फिर से एक बार और चुनाव मैदान में उतरेंगे और अब की बार कमान होगी आकाश आनंद के हाथ में।
लेकिन जो बहुजन समाज की राजनीति करने देखने समझने वाले लोग हैं उनको मायावती जी के इस फैसले को लेकर के एक जिज्ञासा तो जरूर है कि आखिर क्यों तो मायावती जी ने अपने भतीजे को इस प्रकार से सरेआम बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया था, एक झटके में आदेश पारित कर दिया था कि अब आकाश आनंद उनके कुछ नहीं। यही मतलब था उसका जब उत्तराधिकारी से हटा दिया, चुनाव प्रचार से वापस घर बिठा दिया। और अब जब एक बार फिर से वो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका, उत्तर प्रदेश के अंदर 9% वोट तो ले लिए मायावती की पार्टी ने, लेकिन स्थिति इस कदर हो गई कि एक भी सांसद नहीं बना, एक भी सांसद, जिनके 10 सांसद थे पिछली सरकार के अंदर 2019 से 2024 के दौरान का जो मोदी पार्ट टू वाली सरकार थी या जो वो वाली संसद थी 16वीं, उसके अंदर 10 सांसद थे मायावती जी के। इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, 9% वोट तो मिले लेकिन स्थिति बहुत खराब हो गई, मायावती जी संभाल नहीं पाई खुद को। और अब लोगों में सोच ये कि आकाश आनंद को दोबारा बना दिया तो अब कैसे एकदम से वो क्या 45 दिन के अरसे के अंदर ही परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, उनकी अनमैच्योरिटी खत्म हो गई। और सबसे बड़ा सवाल लोगों को ये भी साल रहा है, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको अब ये भी लगता है कि क्या गारंटी है कि आकाश आनंद अभी फिर कुछ नहीं बोलेंगे और बहन जी फिर उनको वापस ना कर दें कहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक और भी चलती है कि अगर कहीं आकाश आनंद में कोई कमी थी, मैच्योरिटी नहीं थी, तो फिर कौन सी पाठशाला में भेज करके ऐसा कौन सा पाठ पढ़वाया गया जहाँ से वो मजबूत होकर के आए। लोगों में जिज्ञासाएँ हैं क्योंकि बहन मायावती के जो राजनीतिक कदम रहे हैं पिछले समय के, भले ही उन्होंने बहुत सूझबूझ से लिए हों, भले ही उन्होंने सारे फैसले सोच समझ करके किए हों, उनकी रणनीति राजनीति का कौन सा हिस्सा रहा हो जिसके हिसाब से उन्होंने वो सारे फैसले किए हों, लेकिन जो बहुजन समाज की राजनीति को सोचने जानने करने समझने वाले लोग हैं उनके लिए दुविधाएँ बहुत हैं। उनके लिए ये दुविधा बहुत बड़ी है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की राजनीति की पुरोधा रही है वो वापस अपने स्वरूप में कैसे आएगी, और अगर मायावती जी इसी प्रकार फैसले बदलती रहेंगी तो फिर समस्या बड़ी हो सकती है आगे। लेकिन फिलहाल तो उनको फैसले को लेकर ये कहा जा सकता है क्योंकि आकाश आनंद एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो विदेश तक में पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, और राजनीति का उनका जो मैंने भाषण सुना था और जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने उनकी बातें सुनी थी वो प्रभावित भी काफ़ी हुए थे। अब तो यही कह सकते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, यानी कि शायद मायावती जी ने जो अपने भतीजे आकाश आनंद को अनमैच्योरिटी का सर्टिफिकेट दे करके राजनीति से बाहर कर दिया था उनको मैच्योरिटी का प्रमाण पत्र देकर वापस ले आई हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई नया आकाश तैयार कर पाएंगे? क्या जो 10 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, क्योंकि यूपी मूल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं उनके लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई आनंद हो पाएगा? और आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित कोर वोटर है जो छिटक गया कहीं, क्या वो वापस भी आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।